हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PYQ इन वन मिनट। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का CBSE 2023 में पूछा हुआ एक MCQ सॉल्व करेंगे। MCQ में क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस का एक एग्जांपल है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि हमारे को हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन को करवाने के लिए, या बोल सकते हैं हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन इसमें गिवन है कि फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइम। अब स्लैक्ड लाइम बनने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब वाटर को ऐड किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हीट बाहर निकलती है, और जब हीट बाहर निकलती है तो ये तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस हुई, तो हम बोल सकते हैं ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कंपोस्ट, और जब वेजिटेबल मैटर्स वगैरह होती है जो डिकम्पोज होती है तो वहाँ से भी एनर्जी बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है, तो ये भी एक तरीके की एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो गई। सी वाला ऑप्शन है डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अब जब हम अमोनियम क्लोराइड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, जिस भी कंटेनर के अंदर इसको हम रखते हैं उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। कम हो जाने का मतलब है यहाँ हीट का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, और जब हीट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जब डाइजेशन ऑफ फूड होता है तो वहाँ भी एनर्जी निकलेगी जब एब्जॉर्प्शन वगैरह होगा, तो हम बोल सकते हैं कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी तरीके से और वन मिनट PYQs देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।